हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने बॉडी के लिए और विटामिंस और मिनरल्स अपने बॉडी में काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये विटामिंस एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में विटामिंस और मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब विटामिंस और मिनरल्स कैसे नेचुरल डिफेंस सिस्टम की तरह बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिंस के बारे में। विटामिंस में दो सब कैटेगरीज होती है, फैट सोल्युबल विटामिंस और वाटर सोल्युबल विटामिंस। सो दोस्तों, फैट सोल्युबल विटामिन मतलब वो विटामिंस जो हमारे बॉडी में फैटी एसिड या तो फैट कंज्यूम करने के बाद ही अच्छे से काम करते हैं, मतलब ऐसे विटामिंस जो सिर्फ फैट में डिजोल्व होते हैं। और वाटर सोल्युबल विटामिंस मतलब वो विटामिंस जो पानी में डिजोल्व होने के बाद अच्छे से बॉडी में काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट सोल्युबल विटामिंस के बारे में। तो दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुकिंग ऑयल, बटर या फिर चीज यूज करते हैं जिसमें मूफा और पूफा रहते हैं। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज ओमेगा 9 और पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। तो ये फैटी एसिड्स फैट सोल्युबल विटामिंस को अपने बॉडी में अच्छे से डिजोल्व होने के लिए मदद करते हैं। सो दोस्तों, फैट सोल्युबल विटामिंस कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन ए का फंक्शन रहता है कि हमारे नॉर्मल आई रेटिनॉल अच्छे से फंक्शन करे, और तो और ये हमारे बोन, ब्रेन और मसल के डेवलपमेंट में भी काम करता है। विटामिन ए का एक और फंक्शन होता है कि वो अपने स्किन एंड हेयर के मेंटेनेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन ये दो तत्वों की वजह से विटामिन ए की उत्पत्ति होती है, जिसमें से रेटिनॉल एनिमल फूड्स में होता है और बीटा कैरोटीन प्लांट फूड्स में होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में लाने के लिए हमारे स्किन में 7-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल करके एक तत्व रहता है, जिसकी वजह से बॉडी को विटामिन डी को D3 में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिट्रायोल की जरूरत होती है। वो जरूरत तभी पूरी होती है जब मिनिमम 5 मिनट की धूप अपने स्किन को मिलती है। अब मोस्ट ऑफ द कैल्शियम सप्लीमेंट्स में विटामिन D3 की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन D3 की वजह से अपने बोन्स में अच्छे से होता है। और विटामिन D3 का जो मेन फंक्शन रहता है कि अपने बोन्स में मिनरलाइजेशन हो और वो स्ट्रांग बने रहे, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया जैसी डिजीजेस नहीं होती, जिसमें आपके बोन्स इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को केमिकल फॉर्म में अल्फा टोकोफेरॉल एसिड कहा जाता है। विटामिन ई अपने बॉडी के सेल के परमियाबिलिटी मतलब अभेद्यता में बहुत कारीगर होता है, जिसकी वजह से अपने सेल के बाहर जो आउटर लेयर होता है फैट का, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। विटामिन ई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से जो ऑक्सीडेशन पैदा होता है उससे बचाने का काम एज ए एंटीऑक्सीडेंट करता है। ज्यादातर विटामिन ई अपने नेचुरल फॉर्म में वेज ऑयल, फिश ऑयल या तो सीरियल्स में पाया जाता है। और अब बात करते हैं विटामिन के बारे में, जो हमारा आखिरी फैट सोल्युबल विटामिन है, जिसे हम केमिकल फॉर्म में फेलोक्विनोन करके भी पहचानते हैं। विटामिन के को हम एंटी हेमरजिक विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग्स होने नहीं देता। विटामिन के अपने बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो लिवर में स्टोर होता है। प्रोथ्रोम्बिन की वजह से जब हमें कोई चोट लगती है तो ब्लड का एयर से कॉन्टेक्ट होने के बाद फाइब्रिनोजन में कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे ब्लड को फ्लो नहीं होने देता और बॉडी अच्छे से हील हो जाती है। विटामिन के ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में, विच इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। पहले तो बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9 और विटामिन B12 इंक्लूडेड रहता है। विटामिन B1 को केमिकल फॉर्म में थायामिन भी कहा जाता है। थायामिन एनर्जी क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो विटामिन B3 की सिंथेसिस में भी कारीगर रहता है। थायामिन अपने बॉडी के मेजर सिस्टम्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब अपनी पाचन संस्था, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन B1 या थायामिन पल्सेस, सीरियल्स, नट्स
और ऑयल सीड्स में भी पाया जाता है। और अब बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का मेन फंक्शन रहता है कि वो अपने मसल के टिश्यूज में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। विटामिन B2 अच्छी मात्रा में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 को केमिकल फॉर्म में निकोटिनिक या नायसिन भी कहा जाता है। विटामिन B3 विटामिन B1 के हेल्प से एनर्जी क्रिएशन में भी मदद करता है। विटामिन B3 मतलब निकोटिनिक की मदद से हम पेलाग्रा जैसे डिजीज से भी लड़ सकते हैं, जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी स्किन फटने लगती है। तो अब बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 को केमिकल फॉर्म में पाइरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। पाइरिडॉक्सिन अपने बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी करता है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के वायरस से बचा जा सकता है। और ये अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में भी कारीगर रहता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। पाइरिडॉक्सिन या तो विटामिन B6 अपने नेचुरल सोर्स में सीरियल पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स में भी पाया जाता है। तो अब बात करते हैं विटामिन B12 और विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B12 को केमिकल फॉर्म में काइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, और विटामिन B9 को हम सब फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारे रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी बहुत कारीगर रहते हैं, और हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में भी इसका बहुत उपयोग रहता है, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नर्व्स ट्रांसमिशन में भी बहुत हेल्प होती है। बिना B12 की वजह से रेड ब्लड सेल की कमी से परनिशियस एनीमिया भी हो सकता है, मतलब घातक रक्ताल्पता। विटामिन B12 हमारे बॉडी के सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को केमिकल फॉर्म में एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी हमारे टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत कारीगर रहता है, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि बोन, कार्टिलेज, डेंटिन एंड कोलेजन। विटामिन सी की वजह से हमारे ब्लड वेसल टिश्यूज में स्ट्रॉन्ग कैपिलरी वॉल्स बनती है। विटामिन सी हमारे बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत कारीगर रहता है, क्योंकि ये हमें बहुत तरीके के इन्फेक्शन से भी बचाता है, और तो और ये कैल्शियम को बोन में एब्जॉर्ब करने के लिए भी हेल्प करता है, और इसकी वजह से कोई भी घाव अच्छे से भर सकता है। विटामिन सी की मात्रा सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आंवला, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स और स्वीट लाइम जैसे फ्रूट्स में। फैट सोल्युबल विटामिन कभी भी बॉडी के लीवर में स्टोर होते हैं, क्योंकि डाइजेशन के दौरान जो बाइल या तो पित्त सिक्रीट होता है उसको मैनेज करने के लिए बॉडी इसका इस्तेमाल करती है। और वाटर सोल्युबल विटामिन कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे डेली डाइट में इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी रहता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कृपया कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।